वर्ष 2024 का द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन दुर्ग के जिला न्यायालय भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से पोर्टफोलियो जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी उपस्थित होकर शिविर का अवलोकन किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2024 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को दुर्ग जिला न्यायालय भवन परिसर में किया गया। इस दौरान परिवार न्यायालय दुर्ग, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत, जन उपयोगी सेवाएं दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील व्यवहार न्यायालय भिलाई तीन पाटन व धमधा में आयोजित की गयी। गौरतलब है कि आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा, योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा संबंधित लगभग कुल 8078 मामले एवं बैंक, वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार के बकाया राशि के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन प्रकरण एवं राजस्व के प्रकरण सहित लगभग 11,088 मामलों की सुनवाई रखी गई। इस दौरान लगे नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ में पहुंचे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर से पोर्टफोलियो जस्टिस माननीय नरेश कुमार चंद्रवंशी ने न्यायालय भवन व परिसर में लगे शिविर का अवलोकन किया, साथ ही पक्षकारों से चर्चा कर मामले की जानकारियां ली। इस दौरान माननीय पोर्टफोलियो जस्टिस छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के साथ दुर्ग प्रधान जिला न्यायालय न्यायाधीश डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी, संजीव कुमार तामक विशेष न्यायाधीश, रश्मि नेता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष डहरिया शामिल रहे। इस संबंध में माननीय पोर्टफोलियो जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी। जो मामले हैं वो सुलझाए जा रहे हैं। हमारा तो कहना रहेगा लोगों को कि लड़े झगड़े कम, थोड़ा शांति से काम लें। खास करके आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ज़्यादा हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। आजकल ज़रूरतें बढ़ गई ज़रूर है, लेकिन फिर भी अपने अपने दायरे में रह के अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। दूसरों को देख के अपने घर में समस्या नहीं ले आना चाहिए। और लोक अदालत हो ही इसलिए रहा है ताकि जो डिस्प्यूट आए भी वो जल्दी से जल्दी निपट जाएं। और ख़ास करके फैमिली डिस्प्यूट में हस्बैंड वाइफ या जो भी रिलेशन के लोग हैं उनका पारिवारिक जीवन ठीक से चल जाए। और जहाँ तक सिविल डिस्प्यूट है, आजकल हालांकि सिविल केसेस कम हो रहे हैं, फिर भी लोगों को ये समझना चाहिए कि किसकी किसकी गलती है, और अपनी गलती को देख के मामले मुकदमों को आगे नहीं ले जाना, सोच के सुलझाना चाहिए। क्योंकि आपका समस्या यदि सुलझ जाएगा तो आप अपने सोच को आगे ले जाएंगे लाइफ में, नहीं तो एक बार विवाद होने के बाद आदमी वहीं रुक जाता है और उसकी प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझौता करें, और वैसे भी व्यावहारिक जीवन में भी लोगों को थोड़ा समझदार रहें। लड़ाई झगड़े के लिए छोटी छोटी बातों को लेके लड़े ना, आपस में सामंजस्य रखें, यही हमारा कहना। नए कानून से तो अभी कोर्ट्स भी अभी मामले मुकदमे अब आना चालू हैं इसी महीने से, तो अब वो पता चलेगा कि उसमें क्या है। कुछ कुछ मॉडिफिकेशन है, ज़्यादा तो नहीं है ऐसा लगता है जो देखने में आया है अभी तक, लेकिन नए कानून में कुछ चीज़ें ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट की गई हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जा सके। अब उसका रिपरकशंस क्या होंगे, इफेक्ट क्या होगा, वो आगे देखने में आएगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।